बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज तक के टोटल ओमान में कोरोना के केसेस। सबसे पहले आपको आज की डेट बताता चलूँ, आज है 4 जुलाई सन 2020 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे जी चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमती वीडियोज़ के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में आप बैकग्राउंड में थोड़ा हल्का हल्का टक टक का म्यूज़िक भी सुन रहे होंगे। तो आज जो टोटल न्यू कन्फर्म केस रजिस्टर हुए हैं ओमान में वो हुए हैं 1177 यानी 1177 और इन 1177 केसों में से 969 यानी 969 केस हैं ओमानियों के और 208 यानी 208 केस हैं नॉन ओमानी यानी खारजियों के। इस तरह से आज जो टोटल ओमान में कोरोना के केस रजिस्टर हो चुके हैं वो हो चुके हैं 45106 यानी 45106 पीपल। और अगर अमवात की बात करें तो कल से लेकर अब तक यानी 24 घंटों के दौरान 10 न्यू अमवात वाकया हुई हैं और जो टोटल इस वक्त ओमान में वाकया हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 203 यानी 203 पीपल की। और अगर रिकवरी की बात करें तो माशाल्लाह से रिकवरी काफ़ी अच्छी जा रही है। कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान जो न्यू रिकवरी हुए हैं कोविड-19 के मरीज वो हुए हैं 799 यानी 799 पीपल। अगर कुल अफराद की बात करें जो टोटल रिकवरी हो चुकी है ओमान में वो हो चुकी है 26968 यानी 26968 पीपल की। दोस्तों जो भी इस कोविड-19 की वजह से या इसके अलावा जो भी दोस्त इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे और जो भी दोस्त इस कोविड-19 के मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन सब को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। अगर बात करें जो इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल में तो कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान जो टोटल न्यू कोविड-19 के मरीज हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं वो हुए हैं 59 यानी 59 अफराद और जो टोटल मौजूद हैं इस वक्त हॉस्पिटल में वो है यानी 452 पीपल। और अगर ICU की बात करें जो इंतहाई निगहदाश्त हालत में मौजूद हैं इस वक्त तो वो हैं 116 यानी 116 अफराद। और जो कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान ओमान में टेस्ट हुए हैं कोविड-19 के मरीजों के वो हुए हैं 2992 यानी 2992 पीपल के। इसके साथ ओमान का कोई भी महकमा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इससे सेफ रहा जा सकता है, तो प्लीज़ फुल फॉलो कीजिएगा, ये हमारा और आपका ही फ़ायदा है। तो ये थी आज की अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।